हिस्ट्री टेम्पल कह सकते हैं। सो ये एक हिस्टोरिकल टेम्पल है और यहाँ पर बेसिकली सियालकोट में बना हुआ है। सियालकोट कैंट और सदर के एरिया के बीच में लगता है, जो कि एक मार्केट भी है यहाँ पर, उसी के साथ में ये अंदर की साइड पर है। और ये टेम्पल इतना पुराना है कि मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये 1000 years old टेम्पल है और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। और जैसे कि हमने कराची में टेम्पल देखा था, एक टेम्पल था जो कि स्वामी नारायण टेम्पल, उस तरह का ये बना हुआ है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लाइक इसका खूबसूरत आर्किटेक्चर बहुत अमेजिंग है, ये ऊपर देख रहे हो मेरे सामने। तो जब हम सिटी सियालकोट में एंटर होते हैं तो उस टाइम पर ये हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है। एक बोर्ड भी लगा हुआ है और ये उर्दू में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली डॉक्टर आमिर अहमद जो हैं, उन्होंने इसको जो है वो इफ्तिताह किया था। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है टेंपल का नाम, शिवाला तेजा सिंह मंदिर, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, ऑन द इवेंट ऑफ दिवाली इवेंट। ये देखो कितना खूबसूरत है, वाओ अमेजिंग, से पता चलता है कि यहाँ पर एक टेम्पल है। सो सियालकोट में बहुत सारे टेम्पल हैं, क्योंकि ये लास्ट सिटी है पाकिस्तान का, मतलब कि सियालकोट के बाद फिर आगे से जम्मू स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत प्यारा बना हुआ है और इसको दोबारा से रेनोवेट भी किया गया था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उन्होंने इसको दोबारा से रेनोवेट भी किया था 2015 में। ब्यूटिफुल ओके, ये अभी यहाँ पर बेसिकली काम भी हो रहा है। सो यहाँ से आप अंदर जाते हो और ये ऊपर उर्दू में भी लिखा हुआ है, शिवाला तेजा सिंह। और यहाँ पर छोटा सा पार्क बना हुआ है और ये पेड़ बेंचेस हैं, लोग यहाँ पर बैठ भी सकते हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पर। ओके, इसका एक गेट सामने है और एक गेट मेरे ख्याल से इसके सिर्फ दो गेट है ना, और एक गेट वो सामने है, उस गेट से भी हम लोग आ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ झूले लगाए हैं, बच्चे झूले भी झूल रहे हैं। वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, अंदर फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं इसके, मतलब कि सजाया हुआ है इन्होंने। और ये एक छोटा सा हाथा बना हुआ है, इसको सरदार तेजा सिंह जो है उन्होंने इस टेंपल को बनवाया था। और ये टेंपल जो है वो 1000 years old है, मतलब काफ़ी पुराना टेंपल है और हिस्टोरिकल टेंपल है। 1947 में जो है जब पार्टीशन हुई थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान और इंडिया की, उस टाइम पर इसको सील कर दिया गया था, मतलब कि ये टेंपल बंद कर दिया गया था। तो फिर 1922 को जो है इसको डिमोलिश कर दिया गया था, गुस्से की वजह से शायद, बाबरी मस्जिद की वजह से शायद। लेकिन उसके बाद मुझे इतनी एक्यूरेट तो हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन जितना मैंने रीड किया है तो उसके अकॉर्डिंगली यही है कि इसको डिमोलिश कर दिया गया था 1992 में। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने जो हिंदू सरबराह हैं यहाँ के, उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से कि आप इसको दोबारा से रेनोवेट करें, बनवाएं। तो उसके बाद जो है इसको रेनोवेट किया गया, 2015 में इसको ओपन किया गया। फिर 2015 को ओपन करने के बाद दोबारा बंद हो गया था। फिर उसके बाद 2019 में इसकी दोबारा से सेरेमनी हुई,
और दिवाली के मौके पर इसको दोबारा से ओपन कर दिया गया है। तो ये काफी काफी पुराना टेंपल है ये, और यहाँ पर अंदर से देखकर भी आइडिया हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा ही पुराना टेंपल है। तो ये काफ़ी अच्छा टेंपल बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत भी है, हिस्टोरिकल भी है, और यह है कि काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। अब पता नहीं यहाँ हिंदू लोग आते भी हैं कि नहीं आते, लोगों से पूछते हैं कि आते हैं कि नहीं आते हैं। टेम्पल है और यहाँ पर शिवलिंग भी है, तो मतलब अब क्योंकि खुल गया है तो लोग यहाँ पर पूजा वगैरह भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदू भी सियालकोट में बहुत ज़्यादा रहते हैं। शिव जी की मूर्ति भी रखी हुई है और इसको डेकोरेट भी किया हुआ है, जैसे कि पंजाब में डेकोरेशन की जाती है, तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे इस टेंपल को देखकर। तो यहाँ पर मतलब कि जो दूसरे टेंपल में होता है सेम वैसे ही हमें इस टेंपल में भी देखने को मिल रहा है, और आई एम सो हैप्पी कि इस टेंपल में मुझे आने का मौका मिला। और यहाँ पे ये घोड़े बने हुए हैं, और मैंने यहाँ पर देखा कि इतने सालों पुराना टेंपल पाकिस्तान सियालकोट में भी है।
और बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में बना हुआ होता है, सेम वैसे ही लग रहा है। फील ही नहीं हो रहा कि हम पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं, मतलब हर चीज़ सेम है। यह है कि बच्चों के खेलने की भी जगहें हैं यहाँ पर, शूट हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे शूट हो रहा है, उसके टशन देखो। चलो